हेलो गाइस, आज मैं गाजर के अचार बनाऊंगी। गाजर को पहले मैंने अच्छे से धो के हल्के हल्के छिलका उतार के इसकी छोटी छोटी पीस में काट के हल्की सी धूप दिखा दिया है। और मसाले के लिए मैंने सौंफ, मेथी, राई, अजवाइन और पीसी हुई सारा मसाले, हल्दी, नमक सब मैंने एक साथ लिया है। तेल गरम हो गई है, सरसों का तेल ऐड किया है मैंने और मैं मसाले को फ्राई करूँगी। बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को ऐसी पसंद है, कम मिर्च मसाले वाली। थोड़ी देर इसकी फ्राई करूँगी, मसाले को अच्छे से फ्राई हो जाए। और फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है, महीना भर चल जाती है अचार। पहले भी मैंने डाली थी अचार, वो ख़त्म हो गई। बिल्कुल सिंपल है और हेल्दी टेस्टी भी। खाना हो, अचार हो, कुछ भी, जितने सिंपल खाओगे, कम मसाला वाले, उतने हेल्दी होती है। हो गई है हल्की फ्राई मसाले। अब मैं ऊपर से गाजर को ऐड करती हूँ और इसको मसाले में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मैंने अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिया है गाजर को। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए धीमी आंच में फ्राई करूंगी। इस बार मैंने सिर्फ गाजर का अचार बनाई है, पिछले बार मूली और गाजर का दोनों एक साथ ही बनाई थी। दो मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगी, हल्की फ्राई करूंगी। हो गई है अच्छे से फ्राई। अपने 2 चम्मच गार्लिक यानी सिरका ऐड करूंगी, इससे टेस्ट भी अच्छा रहता है और अचार भी ख़राब नहीं होती है। ये घर की बनी हुई है सिरका है, मेरा फ्रेंड ने मुझे दिया था, बहुत अच्छा है। अब इसे मैं 2 मिनट इसको भी हल्की आंच में पकाऊंगी। सिरका डालने के बाद बन गई है गाजर की सिंपल हेल्दी टेस्टी अचार। अपने गैस को बंद कर देती हूँ। जब अचार ठंडा हो जाएगा तब मैं जार में डालूँगी। ठंडा हो गई है अचार, अब मैं जार में भरूँगी। मैंने जार में भर दिया है अचार, ये एक जार भर गई है, इसमें थोड़ी कम रहा है। बहुत अच्छा हेल्दी टेस्टी अचार बन गई है, कई दिन तक चलेगी। अब बिल्कुल सिंपल हेल्दी टेस्टी। अभी से आज ही से ये खा सकते हैं।